Hi everyone, my name is Gupta. इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन राइट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सेप्शन क्या होता है विथ एग्जांपल हमने कवर किया था अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राइट right? चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं देखो मैंने फर्स्ट लिखा चेक एक्सेप्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्पाइल टाइम एक्सेप्शन सेकेंड वन इज अनचेक्सेप्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन थर्ड वन इज एरर क्लियर ये तीनों जो है प्री डिफाइंड बेसिकली एक्सेप्शन होता है जावा के अंदर एंड नेक्स्ट वन होता है यूजर डिफाइंड वी विल डिस्कस लेटर क्लियर पॉइंट अब देखो ये जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है बेसिकली ये एक्सेप्शन नहीं होता है ये आपका बोल सकते हो वार्निंग मैसेज होता है जो कंपाइलर आपको वार्न करता है कि ये एरर आपका ये एक्सेप्शन इन फ्यूचर आ सकता है करंट टाइम पे आ सकता है तो आप उसको हैंडल करो रिपोर्ट करो ठीक है ना फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो देखो मैं सपोज करो कि मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ ठीक है तो मेरा ऑफिस टाइम है नाइन थर्टी मैं नाइन ओ क्लॉक घर से निकलता हूं और मैंने घर से जैसे निकला तो मैंने ना लंच लेना भूल गया तो लंच लेना भूल गया तो मैं ऑफिस से ले गया क्या हुआ जब मैं ऑफिस पहुंच गया तो रन टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होगा मतलब ऑफिस में प्रॉब्लम होगा डेढ़ बजे मैं खाना क्या खाऊंगा तो मुझे रास्ते में प्रॉब्लम थोड़ी होगा उससे पहले थोड़ी प्रॉब्लम होगा घर पे प्रॉब्लम ऑफिस में प्रॉब्लम होगा क्लियर पॉइंट डन तो सेकेंड एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कंपाइल टाइम पे जैसे कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ सपोज को नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं एडमिट कार्ड मुझे चाहिए होगा एग्जाम देने के लिए है ना तो मम्मी मुझे वार्न कर रही है कि दे चेक कर लो एडमिट कार्ड लिया कि नहीं तो वो सिर्फ मम्मी क्या कंपाइल टाइम पे आपको वार्न कर रही है चेक कर लो ठीक है ना ताकि रन टाइम पे आपको ताकि कॉल आपको जब एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ उस समय प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ठीक है तो इस टाइप के बेसिकली वार्न को एक्सेप्शन बेसिकली इस टाइप के जो एक्सेप्शन आता है जैसे वार्निंग मैसेज uh, uh, आता है वो आता है कंपाइल टाइम पे तो कंपाइल टाइम पे जो जो भी एक्सेप्शन आपका रन टाइम कंपाइल टाइम पे आता है ये प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है एंड जो एरर आता है ना वो सिस्टम की uh, 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 की ऑफ वजह से आता है क्लियर है पॉइंट तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है देखो तो चेकड एक्सेप्शन और इसको हम क्या बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी द एक्सेप्शन विच आर चेक बाय कंपाइलर आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्शन ये बेसिकली प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं ना तो ये चेक एक्सेप्शन जो है बेसिकली कौन-कौन से फाउंड एक्सेप्शन ये सारे चीज जो होता है ना बेसिकली कंपाइल टाइम पे आपको वार्निंग आता है क्लियर पॉइंट देन एक्चुअल तो आपका एक्सेप्शन रन टाइम पे आता है ठीक है ना जिसको हम लोग अनचेक एक्सेप्शन कहते हैं क्लियर तो कौन कौन से होते हैं जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया नंबर हो गया ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन हो गया एटीसी और भी ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जो आपका रन टाइम पे आता है ठीक है ना नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ठीक है आपका जो आउट ऑफ मेमोरी एरर स्टैक ओवरफ्लो एरर वर्चुअल मशीन एरर ये सब जो एरर आता है ना ये सिस्टम की रिसोर्स लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आता है ठीक है ना क्लियर पॉइंट और ये जो आपका एक्सेप्शन आता है ये आता है प्रोग्रामर की गलती की वजह से क्लियर पॉइंट आई होप क्लियर है तो प्रैक्टिकल पहले समझते हैं कि बेसिकली चेक एक्सेप्शन आता है कि कंपाइल टाइम पे आता है कि नहीं आता है ठीक है चलिए हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया फाइल का नेम दे दिया चेक चेकड डॉट जावा कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम सबसे पहला मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है स्क्वाइल एक्सेप्शन का ठीक है ना चलिए ये आपका मैंने क्लास बना लिया क्लास का नेम दे दिया चेक एक्सेप्शन कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम ऐसा नहीं कि यही देना है देन यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे एक जो बेसिकली क्लास डॉट फोर नेम मैं क्या कर लेता हूँ ड्राइवर अपलोड कर देता हूं स्क्वायर का ड्राइवर होता है बेसिकली कॉम डॉट स्क्वायर डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर ठीक है ड्राइवर ठीक है चलिए तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक स्क्वायर का ड्राइवर है मैंने यहाँ पे बता दिया ये स्क्वेल एक्सेप्शन आएगा बेसिकली कंपाइल टाइम पे आता है क्या आता है चलिए हम इसको पहले कंपाइल करते हैं फिर मैं बताता हूं ठीक है तो मैं कंपाइलर ओपन कर लिया सी डी डेस्कटॉप पे जाना है डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है फोल्डर में चलेंगे जावा सी देन फाइल का नेम है मेरा चेक डॉट जावा तो देखिए क्या आ रहा है एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी थ्रोन इसका क्या मतलब हुआ अनरिपोर्टेड मतलब ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपका आ सकता है इन फ्यूचर ये आपका एक वार्निंग मैसेज है तो आप रिपोर्ट करो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन रिपोर्ट करो विद हेल्प ऑफ ट्राई कैच और थ्रोज की वर्ड यूज कर सकते हो इसको आप रिपोर्ट करने के लिए ठीक है ना तो ये एक्सेप्शन आपका आ सकता है रन टाइम पे तो ये एक मैसेज दे रहा है आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है क्लियर एंड पॉइंट ये कोई एक्सेप्शन नहीं है याद रखना ठीक तो है ना क्लियर पॉइंट तो चलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको ठीक है ना क्या एग्जाम्पल दिया था कि आ, आप एग्जाम देने जा रहे हो और मदर आ, बेसिकली आपको बोल रही है कि आप एडमिट कार्ड चेक कर लो ठीक है तो आ, मदर क्या बोल रही है आपको वार्न कर रही है एक बार चेक कर लो प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम आएगा जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे उस समय क्लियर एंड पॉइंट तो एक वार्न आए कंपाइल टाइम पे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है ठीक है ना क्लियर पॉइंट नेक्स्ट है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी आता है चलिए हम देखते हैं मैं एक फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज कर लेता हूं बेसिकली रीड करने के लिए यूज किया जाता है फाइल से डेटा ये ये क्लास है तो एफ आई एस मैंने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम ठीक है और मैंने यहां पे एक फाइल का नेम दे देता हूं दीपक डॉट TXT जो कि मेरा फाइल है ही नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार देखो यहाँ पे मेरा डी 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 ये डी है देखो यहाँ पे दीपक डॉट टी एक्स टी कोई ऐसा फाइल नहीं है नहीं है ना तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया है इस फाइल से डेटा रीड करना है जो कि फाइल मेरे पास है ही नहीं ठीक है तो फाइल हैंडलिंग की कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो तो आप इम्पोर्ट कर लो जावा डॉट डॉट स्टार लगा देता हूँ ठीक है चलिए इसको कंपाइल करते हैं जो कि मेरा फाइल ऐसा कुछ है ही नहीं तो देखते हैं क्या आता है देखो एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ठीक है तो क्या बता रहा है आपको वार्निंग दे रहा है कंपाइलर कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपका आ सकता है कंपाइल्ड रन टाइम पे तो आप इसको हैंडल करो यूजिंग ट्राई कैच या आफ थ्रोस कीवर्ड की हेल्प से ठीक है ना क्लियर अप पॉइंट दैट तो अगर जब मैं यहाँ पे ये बेसिकली कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आता है कंपाइल टाइम पे वार्निंग आता है इसको अगर जब मैं ट्राई कैच के साथ मैं हैंडल कर लो देखो यहाँ पे या थ्रोजर्ड यूज कर सकते हो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ट्राई कैच थ्रो थ्रोज फाइनली वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल्स मैं बस जस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा ठीक है ना तो इसको देख लो कैच एंड देन यहाँ पे दे दिया मैंने आई ओ एक्सेप्शन ठीक है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ई एंड देन मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फाइल अभी भी मेरा फाइल क्रिएट नहीं है अब आएगा रन टाइम पे आपका ये एक्सेप्शन क्योंकि मेरा ये फाइल है ही नहीं ठीक है ना चलिए यहाँ पे देखते हैं देखो अब रन कंपाइल टाइम पे मुझे कोई एरर नहीं आया क्योंकि मैंने रिपोर्ट कर दिया मैंने बता दिया ट्राई कैच के साथ मैंने रिपोर्ट कर दिया तो मुझे कुछ एरर नहीं आया और मैं इसको चला देता हूं तो ये अब आएगा आपका अब एरर आएगा एक्चुअल चेक एक्सेप्शन मेरा क्लास का नेम है चलिए तो देखो क्या आ रहा है java.io file not found exception deepak.txt मतलब सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड मतलब मिल ही नहीं रहा फाइल है ही नहीं तो मिलेगा कहां ठीक है तो ये आपका एग्जांपल है जो आपका मैंने यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर लिया तो आप ट्राई कैच के बारे में ज्यादा मत सोचो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन द अपकमिंग वीडियोस ठीक है चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 थर्ड 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 ये सब को हटा देता हूं मैं ठीक है नेक्स्ट देखो hmm. चलिए अब नेक्स्ट हमारा है जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन तो इंटरप्टेड के लिए मैं यूज कर लेता हूं थ्रेड क्लास का एक मेथड है थ्रेड डॉट स्लीप ये थ्रेड डॉट स्लीप मेथड यूज करते हैं थ्रेड को इंटरप्ट करने के लिए एक हजार मैंने यहाँ पास किया आर्गुमेंट में मतलब एक हजार मिली सेकेंड बराबर और एक सेकेंड तो एक एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो ये पैकेज हटा दो इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना चलिए इसको भी हम चलाते हैं थोड़ा सा देखते हैं आता है नहीं देखो यहाँ पे एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शन क्लियर पॉइंट तो ये क्या आप बता रहा है कि आप रिपोर्ट करो ये एक्सेप्शन आपको इन फ्यूचर आ सकता है तो आप यूजिंग ट्राई कैच या थ्रोज की से आप इसको रिपोर्ट करो ये कंपाइल टाइम पे ऑलवेज वार्निंग आता है ठीक है ना वार्निंग आता है ताकि आपका इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है क्लियर है रियल लाइफ भी हमने डिस्कस किया और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं ऑफिस के लिए घर से निकल रहा हूँ अब मैं पर्स लेना भूल गया पर्स लेना मैं भूल गया तो मुझे कब प्रॉब्लम आएगा जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा और जब मैं एक बजे खाना या बाहर जाऊंगा कुछ खाने पीने के लिए उस समय जब मुझे पैस पर्स में खोजूंगा नहीं मिलेगा प्रॉब्लम तो उस समय आने वाला है है ना तो प्रॉब्लम मुझे रास्ते में नहीं होगा प्रॉब्लम घर से जाने का टाइम नहीं होगा प्रॉब्लम मुझे आएगा एक्चुअल कहाँ पे ऑफिस में तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है तो प्रॉब्लम बेसिकली कंपाइल टाइम पे नहीं आता है प्रॉब्लम आता है रन टाइम तो पर मतलब एक्चुअल जो एक्सेप्शन होता है ना वो रन टाइम पे आती है ठीक है तो कंपाइल टाइम पर वर्निंग आता है ओनली वार्निंग ठीक है कि आप ये आ सकता है इसको रिपोर्ट करो क्लियर आई होप क्लियर की कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है वी हैव ठीक है ना तो आप लोग इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठीक है ना तो इन अपकमिंग वीडियोस में हम कीवर्ड्स uh, के बारे में भी बात करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन इट इज आल्सो कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है विथ एग्जाम्पल वी विल कवर ठीक है इन द अपकमिंग वीडियोस तो इसको आप चेक एक्सेप्शन वाले जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करवाया इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो ठीक है एंड लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय